नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का मेरा ये पूरा का पूरा वीडियो जो होने वाला है वो है असम राइफ़ल पे, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर असम राइफ़ल कैसी है, असम राइफ़ल की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। कुछ बोलते हैं कि सर असम राइफ़ल आर्मी है या अलग है, मतलब कई लोगों को ये सस्पेंस है कि असम राइफ़ल पैरा मिलिट्री है या मिलिट्री है, क्योंकि असम राइफ़ल की जो वर्दी होती है वो सेम टू सेम मिलिट्री की वर्दी से होती है, कोई भी फर्क नहीं होता दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको असम राइफ़ल, अगर आपकी फर्स्ट चॉइस असम राइफ़ल है या असम राइफ़ल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट कैसे हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं असम राइफ़ल के, इसीलिए असम राइफ़ल की भी मेरिट CISF के बाद में अच्छी रहती है हर बार। जो लोग जानते हैं वो ज़्यादातर असम राइफ़ल को चुनते हैं, क्योंकि असम राइफ़ल में बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, ऐसे बेनिफिट्स या फ़ायदे मिलते हैं जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्स को नहीं मिलते हैं दोस्तों। जैसे सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर कहीं को आर्मी की वर्दी पहनने का सपना है तो असम राइफ़ल में जा सकता है, पैरामिलिट्री में होते हुए भी वो आर्मी की वर्दी पहनेगा और आर्मी के साथ ड्यूटी करेगा दोस्तों। तो दोस्तों साथ ही बता दूं मैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अगर SSC GD से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप फॉर्म भरने वाले तो आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सी है, कैसे तैयारी करें, मैंने कैसे तैयारी की है, इसके सारे वीडियो बना रखे हैं। साथ में ज्वाइनिंग लेटर SSC GD का, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई आएगी, इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है कि क्या क्या उनकी कंडीशन रहती है जिनको आपको फॉलो करना अनिवार्य है। साथ में आपकी ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की मतलब नीड होती है, क्या क्या लिखा हुआ था, वो पूरा का पूरा मैंने बना रखा है वीडियो, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख सकते हो दोस्तों। तो बात करते हैं असम राइफ़ल की। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि असम राइफ़ल मिलिट्री है पैरामिलिट्री, तो पहले तो बता दूँ मैं दोस्तों कि असम राइफ़ल पैरामिलिट्री है। अभी अगर हकीकत में जाना चाहे तो पैरामिलिट्री का मतलब ये होता है कि जिसकी कमांड मिलिट्री के द्वारा की जाए, बाकी जितने भी जो बल है जैसे CISF, CRPF, BSF, ITBP या SSB, इनको पैरामिलिट्री बोलते हैं, लेकिन वास्तविक में ये पैरामिलिट्री नहीं है, ये पुलिस है। इसीलिए CAPF के द्वारा इनको एक पुलिस फोर्स के रूप में बना दिया, क्योंकि पैरामिलिट्री का जो असली मायना है वो असम राइफ़ल ही फिल करती है। पैरामिलिट्री का मतलब है कि वो एक आर्मी की जैसे बटालियन है कश्मीर में, RR मतलब वैसे उपभाग होता है जिस पर आर्मी कंट्रोल करती है, मतलब आर्मी के ऑफिसर वहाँ पर नियुक्त होते हैं, उनके द्वारा वहाँ की ड्यूटियाँ ली जाती है। तो अगर रियल में पैरामिलिट्री है तो असम राइफ़ल ही पैरामिलिट्री है। अब असम राइफ़ल का और जो इनका वेलफेयर होता है वो आता है गृह मंत्रालय के द्वारा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बाकी जितने भी CAPF के जो बल है जैसे CRPF, BSF, ITBP, इन सभी का जो सैलरी, ड्यूटी, सभी वेलफेयर हो गया या ऑपरेशन ड्यूटी, सभी जो आता है वो आता है गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के अंडर में। और जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस हमारे देश की, इनका जितने भी ड्यूटी वेलफेयर जो भी आता है वो आता है किसकी तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो दोस्तों जो असम राइफ़ल है, असम राइफ़ल का जो वेलफेयर है वो तो आता है गृह मंत्रालय के द्वारा, मतलब जो भी CISF इनको जो मिलता है उसके हिसाब से, और जो ड्यूटी करती है ऑपरेशनल जो ड्यूटी करती है उसका पूरा का पूरा आता है आर्मी की तरफ से। इसीलिए असम राइफ़ल के फ़ायदे क्या क्या आपको ज्वाइन करने के दोस्तों, सबसे पहली बात आपको आर्मी के बराबर पेंशन और भत्ते मिलेंगे असम राइफ़ल में दोस्तों। असम राइफ़ल के जो, क्योंकि ऑपरेशनल ड्यूटी आर्मी के साथ होती है, जो जितनी आर्मी में पेंशन और भत्ते मिलते हैं वो सभी उतने ही आपकी भत्ते और वो सब मिलेंगे दोस्तों। साथ ही कैंटीन सुविधा, CPC कैंटीन सुविधाएँ यानी जो CRPF, BSF इनको लागू है वो भी, और आर्मी की कैंटीन सुविधाएँ भी असम राइफ़ल को मिलती है दोस्तों। जो भी आर्मी की कैंटीन सुविधाएँ आर्मी को मिलती है वो सभी असम राइफ़ल को भी मिलती है दोस्तों। तो एक ये भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि बाकी जितने भी पैरामिलिट्री है इनको आर्मी की कैंटीन सुविधाएँ नहीं है, असम राइफ़ल को ये सारी सुविधाएँ है दोस्तों। साथ में असम राइफ़ल आर्मी के साथ में ऑपरेशनल ड्यूटी करती है, आपने देखा होगा सेम ही वर्दी है उनकी, और उनके जो पेमेंट होती है मैंने बता दिया, उनका जो पेमेंट होता है वो आर्मी के बराबर होता है, जो भी उनके फंड वंड जो भी लगते हैं वो आर्मी के बराबर ही लगते हैं। बाकी अगर बात करें उनकी छुट्टियों की तो आर्मी के बराबर भी उनको छुट्टियाँ मिलती है दोस्तों। अब असम राइफ़ल की टोटल 46 बटालियन है, उनमें से ऐसा है कि 25 बटालियन के आसपास ऑपरेशन ड्यूटी करती है जो असम में, और बाकी है वो पैरामिलिट्री के रूप में ड्यूटियाँ करती है दोस्तों। तो आर्मी के रूप में भी ड्यूटी करती है। असम राइफ़ल की जो ट्रेनिंग होती है वो कैसी होती है तो मैं बता दूं दोस्तों, 44 वीक की असम राइफ़ल की ट्रेनिंग होती है, उसमें से जो 28 वीक की जो ट्रेनिंग होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आर्मी की तरह ट्रेनिंग होती है, मतलब जैसे कि जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है वैसी ही ट्रेनिंग
असम राइफल की होती है। दोस्तों साथ बता दूँ, असम राइफल को जो ट्रेनिंग के बाद में, जैसे CRPF BSF, इनको जो 6 मंथ ख़त्म हो जाते हैं, तो 6 मंथ जब ख़त्म होते हैं तो इनको छुट्टियां मिलती है 15 दिन। असम राइफल में भी वही है, 6 मंथ आपके ख़त्म होने के बाद में आपको 15 दिन की लीव मिलती है दोस्तों। उसके बाद में जब आप वापस जाते हो ट्रेनिंग पर, तो वापस जब आप वापस जाते हो ट्रेनिंग पर, तो उसके बाद में आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो पैरामिलिट्री के रूप में हो जाती है। तो ये असम राइफल की इस प्रकार से होती है। तो असम राइफल जैसे असम इधर इस एरिया में एज ए पैरामिलिट्री के रूप में भी काम करती है और आर्मी के साथ में ऑपरेशनल ड्यूटियां भी करती है, इसीलिए उनको आर्मी के बराबर आर्मी की वर्दी है। आपने देखा होगा बिल्कुल आर्मी की तरह वर्दी है। तो असम राइफल का सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको आर्मी की वर्दी पहनने को मिल रही है। कैंटीन सुविधा आपको दोनों मिल रही है, CPC और CDAC, मतलब जो आर्मी कैंटीन सुविधा है वो भी, और CPC जो बाकी पैरामिलिट्री जो पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री नहीं बोल सकते क्योंकि पैरामिलिट्री वास्तविक में असम राइफल ही है दोस्तों। तो अगर असम राइफल आपकी फर्स्ट चॉइस है तो बहुत ही बढ़िया है। साथ में बता दूं असम राइफल में ज़्यादा बड़ी नहीं है 46, अब जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो ये चल रहा है, असम राइफल मिलना चाहती है आर्मी के साथ में और गृह मंत्रालय भी इसको आर्मी के अंडर में देना चाहता है। अगर असम राइफल आर्मी में मिल जाती है तो इनको भी आर्मी के बराबर जो पेंशन सुविधाएँ वो सभी मिल जाएगी। बार बार असम राइफल जो एसोसिएशन है वो बार बार डिमांड कर रही है रक्षा मंत्रालय के द्वारा कि हमारा पूरा वेलफेयर भी रक्षा मंत्रालय ले। जब हमारी ड्यूटियाँ रक्षा मंत्रालय के अंडर में हैं तो हमारा वेलफेयर भी रक्षा मंत्रालय के अंडर में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है इनकेस कि रक्षा मंत्रालय उनकी ड्यूटियों के साथ साथ उनका वेलफेयर भी ले ले, तो असम राइफल पैरामिलिट्री के साथ साथ मिलिट्री के में शामिल हो जाएगी और उसको वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो मिलिट्री को मिलती है दोस्तों। अब असम राइफल की ज्वाइनिंग तो आपको पता ही, प्रोसेस आर्मी के तरह नहीं होती है। असम राइफल की जो ज्वाइनिंग होती है वो किस रूप में होती है, वो होती है पैरामिलिट्री की जो आप SSGD स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही होती है। जैसे आप मेरिट फाइट करके जा रहे हो तो अभी आप असम राइफल अगर आपने चूज़ किया तो आपको वो मिल जाएगी, इस प्रकार से होती है। तो असम राइफल आपको ज्वाइन करने का जो बेस्ट फ़ायदा है वो यही है दोस्तों कि आपको CDC कैंटीन, उनके जो वेतन भत्ते हैं बराबर उतने ही मिलते हैं जितने आर्मी को मिलते हैं, और आपको वर्दी पहनने का, जिसका आर्मी में जाने का जो सपना होता है वो वर्दी पहनने का भी मिल जाता है दोस्तों। हाँ, आप इसमें से NSG में, SPG में, इनमें जा सकते हो दोस्तों, क्योंकि NSG में आपको पता होगा आर्मी भी जाती है। तो आप अगर असम राइफल में तो आप भी NSG कमांडो, SPG कमांडो बन सकते हो दोस्तों। तो इसलिए अगर आपकी फर्स्ट असम राइफल है, अगर आपने नहीं भरी है, अगर आप नए बंदे हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट चॉइस भरना चाहो तो असम राइफल को बिल्कुल भर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बता दिया इसकी फैसिलिटी बराबर आर्मी के जितनी होती है। लेकिन इसका जो लेखा जोखा है, जो वेलफेयर होता है, तो वो गृह मंत्रालय के अंडर में होता है। इसीलिए इसमें जो पेंशन स्कीम है अभी NPS पेंशन सुविधा, जो बाकी जो CRPF, CISF, BSF इनमें वही सेम पेंशन स्कीम ही असम राइफल में दोस्तों। तो अगर आगे ये पैरामिलिट्री मिलिट्री के रूप में बदल जाए तो भी आपको फ़ायदा ही है, और अगर नहीं भी बदल दिए, अगर जैसे है एज इट इज़ अगर ऐसे चलती है तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है दोस्तों। तो आप अपनी फर्स्ट चॉइस असम राइफल भी भर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लिए अगर हमारे चैनल पर नए हो तो। जय हिंद दोस्तों।